जल महल रोड पर चौहान परिवार सादलपुर की ओर से क्षत्रिय कुशवाहा समाज के गोरजी महाराज परम पूज्य भागवताचार्य पंडित लोकेश जी भट्ट के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस पर श्री कृष्ण सुदामा चरित्र का मार्मिक प्रसंग सुनाते हुए पंडित भट्ट ने कहा कि आज के ज़माने में लोग अमीर लोगों के स्वार्थ के कारण मित्रता करते हैं, जबकि सुदामा जी निर्धन थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी ने जो मित्रता निभाई वह दुनिया को दिशा दिखाने वाली पहल है। समापन पर व्यासपीठ पर गुरुजी को सम्मान समारोह पूर्वक भेंट दी गई। यजमान आसाराम सुरेश राजेश चौहान ने विदाई दी। श्रद्धालुओं ने पोथी पूजा की। श्री भट्ट जी के माता पिता व बड़े पापा जो भलेड़ी जिला उज्जैन से पधारे थे, उनको भी चौहान परिवार ने सम्मानित किया। संगीतकारों को भी भेंट देकर सम्मानित किया गया। लोक कलाकार राम भरोसे वर्मा का सम्मान किया गया। विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। राम मंदिर दर्शन के बाद कथा स्थल पर महाप्रसाद भंडारे में श्रद्धालुओं ने पाया। समापन समारोह का संचालन राम भरोसे वर्मा ने किया। आभार आसाराम चौहान ने माना। सादलपुर से अनिल परमार की रिपोर्ट। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का सादलपुर में मंगलमय विश्राम हुआ। चौहान परिवार को आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। सादलपुर के सभी भक्तों ने तन मन धन से सहयोग किया और भगवान की कृपा से, पित्रेश्वर भगवान की कृपा से आयोजन सा आनंद संपन्न हुआ। आयोजन के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के बाद महाप्रसादी वितरण की गई। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा।